रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने जिले में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते रतलाम पुलिस को अवैध हथियार के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल भी जब्त किया है। बुधवार को पुराने कंट्रोल रूम पर CSP हेमंत चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में फरार आरोपी दम्मू उर्फ धर्मेंद्र पिता बद्रीलाल वर्मा 29 वर्षीय निवासी सुभाष नगर रतलाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र द्वारा बताए स्थान से देसी पिस्टल बरामद की है, जो आरोपी ने ट्रेन की पटरी किनारे छिपा कर रखी थी। दीनदयाल नगर पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि इस मामले में 18 दिन पूर्व गिरफ्तार आरोपी मोहित पिता अशोक पटियार निवासी हाट की चौकी तथा ऋतिक पिता छत्रपाल बाली 21 वर्षीय सिलावटों का वास को 2 पिस्टल 3 जिंदा राउंड बेचना बताया है। वहीं इस दौरान आरोपी धर्मेंद्र एक पिस्टल अपने पास रखा हुआ था। पकड़े जाने के डर से धर्मेंद्र ने पिस्टल सागोद रोड स्थित रेलवे पटरी के पास छुपा कर रखी थी, जिसे आज पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र के खिलाफ पूर्व में भी शहर के थानों में मारपीट तथा हत्या के प्रयास समेत कुल 5 प्रकरण दर्ज किए हैं। इसमें जो आगामी त्यौहार है इनको दृष्टिगत करते हुए फायरआर्म्स रखने की जिनकी शोहरत है, जिन लोगों की, उन पर नज़र रखी जा रही है। संबंध में समय समय पर सूचना प्राप्त होती रहती है। इसी तारतम्य में 19 सितंबर और 21 सितंबर को थाना डीडी नगर क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गई थी। इसमें प्रथम कार्रवाई 19 सितंबर को हुई थी, जिसमें त्रिवेणी मेला ग्राउंड से 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, एक फायरआर्म और 2 राउंड के साथ में। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने एक मोहित पटियार नाम के लड़के का नाम बताया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने धम्मूर धर्मेंद्र निवासी सुभाष नगर का नाम बताया था कि उससे खरीदा करके, लेकिन धम्मूर धर्मेंद्र उस समय फरार था। इसी प्रकार जो 21 सितंबर की घटना थी, उसमें भी बाजना बस स्टैंड में 2 व्यक्तियों को फरार के साथ में पकड़ा गया था और एक जिंदा राउंड के साथ पकड़ा गया था। तो उनसे भी पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने भी धम्मूर धर्मेंद्र निवासी सुभाष नगर का नाम बताया था, उसी से लेना बताया था। इन दोनों ही प्रकरणों में धम्मूर धर्मेंद्र जो फरार था, कल 6 अक्टूबर को सूचना मिली मुखबिर से कि कहीं पर धम्मू दिखाई दिया है, वहाँ पर उसको पकड़ा गया, पूछताछ की गई। तो जो पूर्व में जो दोनों अपराध थे उनके संबंध में उसने उसी के द्वारा दोनों फार्म्स को उन लोगों को बेचना बताया। साथ ही और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने एक और फार्म के बारे में जानकारी दी, जो उसके मेमो लेकर विधिवत उसको भी जब्त किया गया है। इसमें धम्मूर धर्मेंद्र से पूछताछ करने पर उसने अपना जो एक जहाँ से उन्होंने प्राप्त करना बताया है, उसके संबंध में सूचना ली गई, उसमें हम तस्दीक कर रहे हैं। इसमें आगे उसके रिमांड ली जाकर। रतलाम से चैतन्य शर्मा की रिपोर्ट।